कि जिस प्रकार की होली का त्योहार आज है और उसी से लेकर सुबह से लेकर जो होली के जो खुमार है लोगों में देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि अभी भी जो दुकानें हैं वो वहां पर लगा हुआ है और जो खेलने वाले जो लोग हैं इसको हंसमुख देखिए, ये भी अपने एक दूसरे को गुलाल लगा के बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि ये होली का त्योहार है। क्योंकि इस होली के त्योहार में रंग में भंग यानी इतना हुड़दंग है जिसमें लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। अब ये लोग देख सकते हैं कि तमाम देखिए हैप्पी होली कर सा एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर का होली का रंग कुछ अलग है। और ये बताइए आप आज का होली का त्योहार क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, होली का त्योहार मजा आ रहा है। बस्तर मेरा ये पहला होली है बस्तर में और इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दशहरा मैंने सुना था बहुत अच्छा मनाया जाता है, अब होली में देख भी लिया कि होली भी कैसा मनाया जाता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बस्तर के सारे त्योहार एक नंबर मनाए जाते हैं, आज हमने होली भी देख लिया। आप बताए अगर आपको होली का असली मजा लेना है तो कुछ दिन तो आइए बस्तर। तो निश्चित रूप से देखिए होली के जो बस्तर के जो होली है इसका अलग महत्व है। बताया जाता है कि राजा पुरुषोत्तम देव जब ये अब रथारूढ़ होके उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर दर्शन करके आ रहे थे तभी जो माड़पाल गांव है वहां पर एक रात के लिए रुका था और उसी दिन होली था और उसी रात को वहां होली जलाई जाती है और उस होली की आग को लेकर पूरा बस्तर में एक मामली एक सब जगह पे जो होली का दहन हो जाती की जाती है और मामली जो माता है उन्हें रंगों से उनको स्वागत करते। तो ये बस्तर का करीबन 600 साल पुराना ये परंपरा है जो आज भी चली आ रही है।